जहानाबाद में धनतेरस की देर रात हुए आयुर्वेदिक चिकित्सक सहतांत्रिक हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। शनिवार को पुलिस ने हत्या में शामिल अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शहर के निजामुद्दीनपुर मोहल्ले के पास धनतेरस की रात एक तांत्रिक सुनील कुमार मस्ताना की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने काको थाना क्षेत्र के अमथुआ गांव निवासी अजीत कुमार, नरेंद्र कुमार तथा घोसी थाना क्षेत्र के बैराम सराय के श्यामदेव कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन के साथ घटना में प्रयुक्त एक बाइक को भी बरामद किया, साथ ही एक जैकेट भी बरामद किया है। एसपी ने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि धनतेरस की रात नगर थाना क्षेत्र में तांत्रिक सुनील कुमार मस्ताना की हत्या हुई थी। इस कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी की 3 टीम गठित की गई। टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर तांत्रिक हत्याकांड में 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई। इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ एक और देसी कट्टा और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। घटना की मुख्य वजह काको थाना क्षेत्र के अमथुआ निवासी एक महिला आशा देवी से जुड़ा बताया जा रहा है। एसपी ने बताया कि यह केस पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सफलता मिली है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। दिनांक 2-3 की रात तकरीबन करीब 12:30 के आसपास निजामुद्दीनपुर रोड पर सुनील कुमार मस्ताना उम्र करीब 50 वर्ष अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और वहाँ वो किराए के मकान में रहते थे और काको मोड़ त्रिमुहानी पर उनका एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में वो धनतेरस की पूजा करने जा रहे थे। हर साल वो जाते हैं और उसी वक्त यहीं वो घर से बाहर निकले तो अपराधकर्मी दो आते हैं और उनको गोली मार देते हैं सर में। उनकी वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाती है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस भी बल पहुँचता है, मैं भी वहाँ तुरंत पहुँचा और उसी वक्त एसआईटी मेरे अंडर में काम करना शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के जितने भी दुकान हैं या मकान हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई मेरे अंडर में जो टीम थी उसके द्वारा। उस आधार पर हम लोगों को कुछ सूत्र हाथ लगे, कुछ फुटेज हाथ लगे कि इसमें अपराधकर्मी कौन थे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो फुटेज हैं जिसमें आपको अपराधकर्मी सीसीटीवी फुटेज है, अपराधकर्मी आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे भागते हुए, और उसमें से एक जो है ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक जैकेट, और एक जो है वो वाइट जैकेट पहना हुआ है। ये ब्लैक जैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोगों ने उसको बरामद किया है जो उस वक्त जिस अपराधकर्मी ने पहना हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद हमने उसे समय बरामद किया है। इसमें सुनील कुमार मस्ताना जो है अपना एक खुले हुए थे चिकित्सालय काकुमर त्रिमुहानी पे, और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था अपना नाम कविराज डॉक्टर सुनील कुमार मस्ताना ब्रैकेट में तांत्रिक, मतलब वो स्वयं तांत्रिक तंत्र मंत्र का काम करते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना चिकित्सालय भी खोला हुआ था। अपने नाम के साथ उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ था कि वो तांत्रिक हैं और तंत्र मंत्र का काम करते हैं। जब एसआईटी ने अपना काम शुरू किया तो चूंकि एक ब्लाइंड केस था और यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं थे, तो हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया। जो भी डंप डेटा है, सीडीआर की एनालिसिस है या जो भी टावर्स वगैरह हैं उनकी एनालिसिस भी मैंने शुरू की। एसआईटी ने मेरे अंडर में कॉन्टीन्यूस काम किया, पिछले 5-6 दिनों से हम इस पर लगातार लगे हुए थे, और उसी अनुसंधान के क्रम में फिर हम लोगों को एक संदिग्ध नंबर का पता चला, जिस पर बाद में हम लोगों ने अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और इस पूरे केस का खुलासा हो गया और दर परत ये पूरा जो है हम लोगों के सामने। तो उसके बाद जब हम लोगों ने उसके आधार पे आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें क्रिमिनल्स कौन है, तो इसमें 3 क्रिमिनल हम लोगों के सामने आए। एक का नाम अजीत कुमार है और ये यहाँ अमथुआ जो काको थाना में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। दूसरा नरेंद्र कुमार है, ये भी उसी गाँव का रहने वाला है। तीसरा श्यामदेव कुमार है, ये बैराम सराय जो घोसी थाने में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। इनकी 3 की पहचान हुई, घटनास्थल पे इनका टावर लोकेशन पाया गया, घटना से पहले इनका वहाँ पे पूरा मूवमेंट पाया गया, इनका रूट बनाया गया कैसे आए और कैसे गए। घटना स्थल पर ये सब जब हम लोगों के पास एविडेंस वगैरह आ गए, जो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि यहाँ इसका निवेदन हो गया और ये अपराध
कर्मी हैं, तो अब उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें मैंने बनाई। तकरीबन इसमें 20 ऑफिसर्स लगाए गए और इन 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए 3 जगह पर छापेमारी की गई और उस छापेमारी के क्रम में इन 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में इनके सामने जब एविडेंस लाए गए तो इन्होंने अपने अपराध को कबूल किया और फिर इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो इस हत्याकांड में हथियार यूज हुए थे उसको हमने बरामद किया। हथियार हैं जो आपके सामने हैं, साथ में गोली है। इसमें से उन्होंने बताया जो मेन अक्यूज्ड है अजीत कुमार, उसने इस हथियार से सुनील कुमार मस्ताना की हत्या की थी। साथ ही साथ इस पूरे योजना में हत्याकांड के जो भी मोबाइल यूज हुए उन सबको हमने इनके पास से जब्त किया, वो भी आपके सामने है। उसमें सिम वगैरह सब लगे हुए हैं। जो काला जैकेट पहन के सीसीटीवी फुटेज में भागा है मेन अभियुक्त, वो काले जैकेट को भी हमने जो है उसी की निशानदेही पे उस स्थल से बरामद किया जो भागने के क्रम में उसने जहाँ उसको छुपाया था या फेंका था। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त किया है। इस मोटरसाइकिल से ये 3 लोग आए थे और घटना करने के बाद ये यहाँ से भागे थे। अब घटना के कारणों के बारे में हम लोग जब पता किए तो अनुसंधान और पूछताछ में जो बात सामने आई उसमें ये था कि अजीत कुमार जो हमारा मेन एक्यूज है, इसके पिता की मृत्यु, पिता का नाम मोती मिस्त्री है, इनकी मृत्यु 2009 में दुर्घटना में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी है यानी अक्यूज की माँ आशा देवी, ये तांत्रिक का काम करती थी और इस इन्हीं के गांव में एक लड़का बीमार पड़ा था तो इन्होंने उनकी तंत्र मंत्र विद्या वगैरह से वो माध्यम से उन्होंने सुनील कुमार मस्ताना के पास उसको भेजा और वहां से इनका सुनील कुमार मस्ताना से संपर्क हुआ इनके पूरे परिवार का, यानी कि अभियुक्त अजीत का, उनकी माँ का और सुनील कुमार मस्ताना का। 2011 के बाद सुनील कुमार मस्ताना इनके घर जाकर इनके आशा देवी के साथ मिलकर अमथुआ और आसपास के गांव के लोगों का इलाज करते थे। इलाज क्या मतलब, वही झाड़ फूक तंत्र मंत्र करते थे। इसी क्रम में इनके और अजीत की माँ इनके बीच में जो है वो प्रगाढ़ संबंध भी स्थापित हो गया और इलाज से जो होने वाली आय थी उसका कुछ हिस्सा ये इनके परिवार को भी देते थे। 2016 में सुनील कुमार मस्ताना ने अपनी प्रथम बेटी की शादी किया तो उन्होंने अजीत की माँ से भी पैसे लिए थे। शादी के बाद उन पैसों की मांग इस परिवार के द्वारा सुनील कुमार मस्ताना से की जाने लगी और इस बात की पुष्टि स्वयं मृतक सुनील कुमार मस्ताना के परिवार के लोगों ने भी की, हाँ ये बात थी और ये पैसा मांगने भी अजीत कुमार गया था और झगड़ा भी हुआ था। और शादी के बाद इस तरह से बात जब शुरू होने लगी तो सुनील कुमार के द्वारा अजीत की माँ के पैसे का हिसाब पूरा करते हुए उसको चेतावनी दिया गया कि अब कोई संबंध वो नहीं रखेंगी। तभी से इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी है, वैमनस्यता है, वो बढ़ने लगी। इसमें अब अजीत को ऐसा लगने लगा कि इनकी माँ को अब दिखाने कोई आता नहीं है, कोई भी झाड़ फूँक कराने नहीं आता है। कारण यह है कि इसका ये विश्वास था कि जो भी देवी देवता वगैरह की शक्तियाँ सुनील कुमार मस्ताना के द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या से इनकी माँ से छीन ली गई हैं और ये नौकरी के लिए प्रयासरत था ये, लेकिन इसकी नौकरी लग नहीं रही थी तो उस इसके दिमाग में ये बात गहरे तरीके से बैठ गई कि सुनील कुमार मस्ताना ने अपनी तंत्र विद्या का फायदा उठा लिया, जो भी उसका यूज करके इसको बिल्कुल, जब हमने इंटरव्यूशन किया तो बताने लगा कि जब भी हमारा इंटरव्यू होता था तो तंत्र मंत्र से मुझे मेरी तबीयत खराब कर देते थे और मैं कभी जा नहीं पाता था, मेरी नौकरी नहीं लग पाती थी, ये बिल्कुल हम लोगों को बर्बाद कर दिए थे। इसलिए इसके मन में वो जो चीज़ है एक कटुता और एक दुश्मनी का भाव, वो सुनील कुमार मस्ताना के प्रति लगातार पनप रहा था और जब इसका ये रोजगार भी नहीं लग रहा था तो उसका वो फ्रस्ट्रेशन और वो जो इसकी सोच है, विश्वास है, वो और ज़्यादा गहराता गया। और इसके बाद इसने ठान लिया कि इसके बर्बाद होने का, इसकी माँ की प्रतिष्ठा को खराब होने का, इस सब के पीछे जो है सुनील कुमार मस्ताना का हाथ है। इसलिए अजीत कुमार ने सुनील कुमार मस्ताना को मारने की पूरी योजना बनाई। अब इस योजना में 2020 में भी इंट्रोगेशन इसने कबूल किया कि वो धनतेरस के दिन आया था, क्योंकि उसको पता था कि ये रात में 12 बजे धनतेरस के दिन सिने लग्न में जाके बाहर पूजा करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया और पिछली योजना में वो जब सफल नहीं हो पाया तो उसने इस वर्ष भी योजना बनाई धनतेरस की रात में। और इस योजना में इसने फिर वहीं से उसी गांव के एक लड़के की मोटरसाइकिल को मांगा। उस मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति यानी अजीत, नरेंद्र और श्यामदेव, ये 3 आते हैं वहाँ से और आने के बाद ये यहाँ पे पूरी योजना के तहत जो ही ये बाहर निकलते हैं वॉच कर रहे हैं, वॉच करने के बाद उनको जो ही निकलते हैं गोली मारते हैं। गोली मार के फिर वो, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि निजामुद्दीनपुर रोड पे वो अलगना मोड़ वाले डायरेक्शन में भाग के आगे जो है अंदर घुस जाते हैं
और वहीं से फिर ये अपना खेत वगैरह का रास्ता पकड़ के इधर आ जाते हैं। बीच के जो जगह है वहाँ पे ये अपना जैकेट निकाल के फेंक देता है, जो कि हमने कन्फेशन के क्रम में बरामद किया उस जैकेट को, काले रंग की जैकेट को। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वो हथियार जो है उस इन्हीं के कन्फेशन से बरामद हुआ, और ये हथियार जो है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है बैरामसराय, उसके प्रांगण में जो कमरा था जहाँ पे रहता था श्यामदेव वगैरह, वहाँ से हमने बरामद किया। तीन हथियार बरामद हुए, दो की पहचान उन्होंने किया कि दो का वो यूज किया था, वो लेके गया था, जिसमें से एक से उसने गोली मारी थी, बाकी एक का यूज नहीं किया था जो यहाँ पे है। इस संबंध में अलग से हमने एब्सेक्ट का केस किया हुआ है। पैसे कितने बात हुआ था? इसकी मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने बरामद किया था, ये भी जो है उस लड़के अमित कुमार के दलान से ही हम लोगों ने बरामद किया था, जिसकी मोटरसाइकिल लेके आया था। और उसके बाद से जब ये सभी चीज़ें बरामद हो गई, तो बरामद होने के बाद फिर हम लोगों ने इन सबों से जो पूछताछ की, तो इन सभी ने अलग अलग भी इस अपने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो इसको दिया, और इस हत्याकांड में अपनी पूरी संगठन में स्वीकार किया है। और जो घटना का कारण था, उस घटना के कारण के बारे में यही था कि इसमें मेन अक्यूज अजीत कुमार है, इसने अपनी बर्बादी या जो कहिए अपना नौकरी ना लगना, वो जो हताशा थी उसके पूरा जिम्मेदार सुनील कुमार मस्ताना को मानते हुए हत्या की जो योजना बनाई थी उसी में उसके ये दो सहयोगी थे, उन्हें दो सहयोगियों के माध्यम से इसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। और फिर विशेष टीम जो SIT बनी थी, इसको मैंने हेड किया था, उस SIT ने बहुत अच्छे से काम करते हुए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया और सच्चाई जो है आज आपके सामने है। पैसे कितना लेन देन का मामला था? पैसे का लेन देन जो है वो मेन इशू नहीं था कि पैसे का क्या लेन देन था, मेन इशू ये था कि अजीत कुमार पे पूरा विश्वास हो गया था, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों में भरोसा करता था तंत्र मंत्र के, और उसको ये लग गया था कि जब तक वो सुनील कुमार मस्ताना को नहीं मार देता है तब तक उसकी बर्बादी या जो उसका जीवन है वो सही नहीं हो सकता है। कोई नाजायज संबंध वगैरह भी था सर अजीत कुमार जो अभी पूछताछ वगैरह आ रही है उससे ये बात आई थी, सुनील कुमार मस्ताना और इनके बीच में संबंध काफी